So, hello students, good morning. I hope all of you are fine. So, this is Unit 9, Changing Families, okay? So students, let us start the chapter, Changing Families. But before starting the chapter, hum ye seekhenge ki ek family hoti kya hai? What is a family? So students, the members of our house are called family. मतलब जो भी मेंबर्स साथ में हमारे घर पे रहते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, अंकल, आंट, वो सब क्या है? हमारी फैमिली है. सो हमको अच्छे मैनर्स, गुड मैनर्स, ये सब हम किससे सीखते हैं? हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं. हमको कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब हमको कौन सिखाता है? हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स. सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में एक सेइंग है, क्या? अ सैपलिंग विल ग्रो एज डायरेक्टेड. सैपलिंग मतलब एक जब छोटा सा बच्चा होता है, किड होता है, उसको पता होता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट फॉर हिम और हर. तो उसको कौन डायरेक्ट करता है? उसके पेरेंट्स डायरेक्ट करते हैं कि बेटा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है. तो ऐसे ऐसे करके जब वो एक बड़ा बन जाता है, बड़ा इंसान बन जाता है, तो वो एक हम्बल और अच्छा इंसान बनता है. उसमें गुड मैनर्स होते हैं, वो अच्छे से बिहेव करता है. बिकॉज बचपन से उसको किसने डायरेक्ट किया है? उसकी फैमिली ने उसको डायरेक्ट किया है कि उसको कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है. तो हमको भी ऐसे कौन गाइड करता है स्टूडेंट्स? हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स. और हमारी इस फैमिली की देखभाल कौन करता है? हमारे पेरेंट्स, हमारे मॉम डैड, वो इस फैमिली को लेके चलते हैं स्टूडेंट्स. सो नाउ यू नो दैट व्हाट इज अ फैमिली. फैमिली मतलब जब हम हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट सब साथ में मिलके रहते हैं, अच्छे से, खुशी से, हैप्पीनेस से, तो वो क्या बनती है? एक फैमिली बनती है. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिलीज. दिस फैमिलीज आर ऑफ किरण, सुमी एंड दीपाली. अब ये कुछ फैमिलीज के पिक्चर है. और ये किसकी किसकी फैमिली है? किरण, सुमी एंड दीपाली. लेट अस गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पिक्चर्स. किरण स्टेल. There is a great excitement in Kiran's family. She has a new baby sister. Kiran and her family are very happy. अभी किरण की फैमिली में बहुत एक्साइटमेंट आ गई है. क्यों? क्योंकि उनके घर पे एक नया मेंबर आया है, एक नई बेबी सिस्टर आई है. किरण की एक बेबी सिस्टर बॉर्न हुई है, तो वो लोग सब बहुत हैप्पी है बिकॉज उनके घर पे एक नया मेहमान आया है, नया गेस्ट आया है. स्टूडेंट्स, आपके घर पे भी जब कोई न्यू बॉर्न बेबी आता है या कोई भी न्यू बेबीज आते हैं, तो आप लोग को भी कितनी एक्साइटमेंट होती है. तो किरण की फैमिली में भी बहुत एक्साइटमेंट थी बिकॉज उनके घर पे एक न्यू बॉर्न बेबी आया था. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन किरण्स फैमिली. सो स्टूडेंट्स, पहले किरण की फैमिली में कितने मेंबर्स थे? 5. बट अभी उसके घर पे एक न्यू बॉर्न बेबी का बॉर्न हुआ है, तो उसके आने के बाद उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हुए वो आपको लिखना है. सो यू हैव टू काउंट एंड राइट कि अभी टोटल कितने मेंबर्स हुए उसकी फैमिली में. ओके, लेट अस टॉक. किरण हैज अ न्यू बेबी सिस्टर. विच थिंग्स विल बी चेंज्ड इन अ फैमिली नाउ. अभी किरण की फैमिली में एक न्यू बेबी सिस्टर आई है. पहले तो वो लोग 5 मेंबर्स ही थे, पर अभी वो लोग कितने? 6 मेंबर्स हो गए. तो उनकी फैमिली में कौन सा चेंज आया है वो देखेंगे हम. हाउ विल किरण स्पेंड अ डे नाउ. पहले तो किरण उसका दिन खेलने में या स्टडीज करने में या रेस्ट करने में बिताती थी, पर अभी उसके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है. क्या? उसकी बेबी सिस्टर के साथ खेलना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना. तो उसका पूरा दिन का शेड्यूल चेंज हो जाएगा कि वो क्या क्या करती थी, बट अब बेबी सिस्टर के आने के बाद वो सब चेंज हो जाएगा. व्हाट न्यू वर्क विल अ मदर डू नाउ. कौन सा नया काम जो उसकी मम्मा कर पे आ गया है अभी, कौन सा काम है? पहले तो उसकी मम्मा को सिर्फ किरण का ही ध्यान रखना पड़ता था और वो छोटी नहीं थी, वो बड़ी थी. बट अभी उनके घर पे एक न्यू बेबी सिस्टर आई है, तो उसकी मम्मा को उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा. की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसको कब खिलाना है, कब सुलाना है, कब उसको बात करवाना है. तो उसकी मम्मा का काम और बढ़ गया है. विच टाइप ऑफ चेंजेस विल बी सीन इफ देयर इज अ स्मॉल बेबी इन द हाउस. अभी आपके घर पे अगर कोई छोटा बेबी हो तो कौन से चेंजेस दिखते हैं? बहुत सारी चेंजेस दिखते हैं स्टूडेंट्स. हमको सारा काम उस बेबी को देख के करना पड़ता है. अगर बेबी सो रहा हो तो हम घर पे आवाज नहीं कर सकते. अगर बेबी रो रहा हो तो हमको उसके साथ खेलना पड़ता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है. तो ऐसे करते करते घर के जो सारे लोग हैं उनका काम और थोड़ा बढ़ जाता है बेबी के साथ खेलने में, उसके साथ टाइम स्पेंड करने में. तो ऐसे अगर हमारे घर पे एक न्यू बॉर्न बेबी आता है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं फैमिली में. ओके स्टूडेंट्स, फाइंड आउट अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड और इन द हाउस और ऑफ रिलेटिव एंड राइट आंसर टू द गिवन क्वेश्चंस बिलो. अभी आपको क्या करना है? अगर आपके घर पे कोई सबसे आपका सबसे छोटा भाई बहन या कोई नेबरहुड में जो एक न्यू बॉर्न बेबी हो या कोई भी छोटा बेबी आपके घर पे हो, तो उसके रिलेटेड आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच होम हैज द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड.
आपके नेबरहुड में आपके किसके घर पे एक छोटा न्यू बॉर्न बेबी है, व्हेन वाज द बेबी बॉर्न, बेबी का बॉर्न कब हुआ था, व्हाट इज द एज ऑफ दैट चाइल्ड, उस बेबी की एज क्या है, हाउ आर यू रिलेटेड टू दैट चाइल्ड, आपका उस बेबी के साथ क्या रिलेशन है, वेयर वाज द बेबी बॉर्न, बेबी का बॉर्न कहाँ पे हुआ था, डज द बेबी हैव एनी टिथ, उस बेबी के कोई टिथ है, व्हाट डू दे फीड द बेबी विद, बेबी को फीड मतलब वो लोग बेबी को क्या खिलाते हैं वो लिखना है. टेक अ फोटोग्राफ ऑफ द बेबी और ड्रॉ अ पिक्चर. अभी उस बेबी का आपको एक फोटोग्राफ चिपकाना है या तो आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में करनी है. ओके सुमीस टेल. सुमीस फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब. ही वॉज प्रमोटेड एंड वॉज बींग ट्रांसफर टू अनादर सिटी. नाउ वी विल नो अबाउट सुमीस फैमिली. अभी ये सुमी की फैमिली है. ओके और सुमी के फादर की गवर्नमेंट जॉब थी, वो जॉब करते थे. He was promoted and was being transferred to another city. अभी सुमी के पापा का प्रमोशन हुआ था. प्रमोशन मतलब पहले वो फर्स्ट लेवल पे काम करते थे, पर जब उनका प्रमोशन हुआ तो वो आगे बढ़ गए, वो सेकेंड लेवल पे काम करेंगे. तो प्रमोशन की वजह से उनका ट्रांसफर हो गया दूसरी सिटी में. ट्रांसफर मतलब जैसे पहले उसके पापा सपोज अहमदाबाद में जॉब कर रहे थे, बट ट्रांसफर उनका मुंबई में हुआ है. मतलब एक सिटी से जब दूसरी सिटी हमको भेजते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर. तो सुमी के पापा का ट्रांसफर हो गया था अहमदाबाद से मुंबई, सपोज दिस इज एन एग्जांपल. तो प्रमोशन की वजह से उनका ट्रांसफर हो गया था. तो अभी हम देखेंगे कि उनकी फैमिली में क्या चेंजेस आए थे प्रमोशन की वजह से. सुमीस फादर केम फ्रॉम ऑफिस. ही टॉक्ड अबाउट प्रमोशन एंड ट्रांसफर. व्हाट वुड हैपन नाउ, लेट अस फाइंड अबाउट इट. अभी सुमी के पापा घर पे आए और उन्होंने सबको गुड न्यूज दी कि वाओ मेरा प्रमोशन हो गया. बट प्रमोशन तो हो गया, बट हमको यहाँ से ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, हमको यहाँ से दूसरी सिटी में शिफ्ट भी होना पड़ेगा. तो हम देखेंगे कि उनकी फैमिली में क्या चेंजेस आएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सुमीज फादर गॉट ट्रांसफर्ड. व्हाट प्रिपरेशन विल दे डू टू गो टू द न्यू प्लेस नाउ. अभी सुमी के फादर का ट्रांसफर तो हो गया, बट अगर उनका ट्रांसफर हुआ है तो एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट होना पड़ेगा. वहाँ पे न्यू स्कूल होगा सुमी का, नया घर होगा, पूरे घर का जो भी सामान है वो भी उनको नई सिटी में शिफ्ट करना पड़ेगा. तो बहुत सारा काम पड़ जाएगा. हु फ्रॉम सुमीज फैमिली विल लीव विथ हिज फादर एट न्यू प्लेस. Which school will Sumi go to now? अभी Sumi का क्या हुआ कि जब वो new place पे जाने वाले थे तो उसके father के साथ वहाँ पे कौन रहेगा? Sumi का admission कौन से school में होगा? Has anybody in your family moved to another village or another city because of work? अभी आपकी family में कोई ऐसा है जिसका transfer हुआ हो और दूसरी city में उनको जाना पड़ा हो promotion की वजह से? Who got last admission in your school? Bye. और आपकी school में कोई ऐसा बच्चा है आपकी class में जिसने लास्ट एडमिशन लिया है और क्यों? अगर आपको पता हो तो आपको इसका आंसर लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव कम फ्रॉम अदर विलेज और सिटी इन योर स्कूल. अभी आपके स्कूल में ऐसा कोई बच्चा है जो दूसरी सिटी से या दूसरे विलेज से आया है, तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है इस टेबल पे. ओके स्टूडेंट्स, दीपाली स्टेल. देयर इज अ ग्रेट जॉय इन दीपालीज होम टुडे. ऑल आर एंजॉयिंग. दीपाली की फैमिली में बहुत खुशी की बात है, सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं. लेट अस सी क्यू. हर एल्डर कजिन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड. उसके एक एल्डर कजिन ब्रदर मतलब उसके कजिन भाई की शादी हो रही थी. यस, यू हैव ऑल्सो सीन मेनी वेडिंग्स. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ वेडिंग एंड डिस्कस अबाउट देम. अभी आपने भी बहुत सारी वेडिंग्स देखी होगी, बहुत सारे वेडिंग पिक्चर्स देखे होंगे. तो इन पिक्चर्स में आपको देख के पता चल रहा होगा कि वेडिंग कैसी होती है. ऑफकोर्स आपने भी बहुत सारी वेडिंग्स अटेंड की होगी, राइट स्टूडेंट्स? तो ये पिक्चर्स भी कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं जिसमें हमको दिख रहा है कि शादी कैसे हो रही है, उन्होंने कौन से फंक्शंस रखे थे, कैसे उन्होंने एंजॉय किया था. ओके स्टूडेंट्स, थिंक एंड टेल. दीपालीज कजिन ब्रदर गॉट मैरिड. व्हाट चेंजेस विल बी देयर इन दीपालीज फैमिली नाउ. दीपाली के कजिन ब्रदर की शादी हो गई थी, तो दीपाली की फैमिली में कौन से चेंजेस आए होंगे? यस, बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, बिकॉज उनके घर पे एक नया मेंबर आया है. उसकी सिस्टर इन लॉ मतलब उसकी भाभी आई है तो उसकी काम में हेल्प करेगी. उनकी फैमिली से में एक मेंबर बड़ा है, उनकी फैमिली बड़ी हो गई है थोड़ी, उनका काम भी बढ़ गया है बिकॉज दीपाली की भाभी मतलब उसकी सिस्टर इन लॉ उसकी हेल्प करेगी काम में. तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए थे उनकी फैमिली में. व्हेन डॉटर गेट्स मैरिड व्हाट चेंजेस विल बी देयर इन हर फैमिली. जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके पेरेंट्स की लाइफ में, उसके भाई बहन, उसकी फैमिली की लाइफ में कौन से चेंजेस आते हैं? बहुत सारे चेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज वो अपने घर को छोड़ के किसी और के घर जाती है, दूसरी फैमिली में जाती है. तो ऑफकोर्स उसके मॉम डैड उसको बहुत मिस करेंगे, उसकी याद भी आएगी, बिकॉज उनकी फैमिली में तो एक मेंबर कम हो रहा है
जिसकी फैमिली में जा रही है वो शादी घर पे, वहां पे एक मेंबर बढ़ रहा है, बट उसकी अपनी फैमिली में से तो एक मेंबर कम हो रहा है बिकॉज वो किसी और की फैमिली में जा रही है शादी करके। तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे, उसके मम्मी पापा को कभी कभी लोनली फील होगा, उसकी याद आएगी। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं दोनों फैमिलीज में, जिसके घर पे वो शादी करके जाती है और जिसके घर से जाती है, उसके पेरेंट्स के और उसके इन-लॉज के, दोनों के फैमिली में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टॉक टू योर मदर एंड आंटीज एंड आस्क वेयर डिड दे लीव बिफोर मैरिज। अभी आपको ये क्वेश्चन आपकी मॉम को या आपकी आंट को, आपकी बुआ को, किसी को भी पूछ सकते हो आप कि वो लोग शादी के पहले कहाँ रहते थे। हु वर द मेंबर्स इन द फैमिलीज एट दैट टाइम, उनके फैमिली में कौन से मेंबर्स थे उस टाइम पे। हैज एनीबॉडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली, रिसेंटली आपकी फैमिली में किसी की शादी हुई है। वॉट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड एट वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी में तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा बहुत टाइप का अलग अलग फूड होता है, बहुत यमी फूड होता है, तो आपने देखा है और क्या क्या देखा है वो आपको लिखना है। टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग वेडिंग्स इन द फैमिलीज। व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वेयर। अभी आपको इसका आंसर ये लिखना है कि शादी में आपने अगर कोई शादी अटेंड की है तो उसमें ब्राइड एंड ग्रूम ने कौन से कपड़े पहने थे, क्या कपड़े पहने थे। व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड डांस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग्स। वेडिंग्स पे कौन से गाने बज रहे थे, कौन से गाने पे लोग डांस कर रहे थे वो लिखना है। What did you see at the wedding that you had attended? आपने शादी में क्या देखा था वो लिखना है। We saw changes in family of Kiran, Sumi and Dipali for different reason. Okay, write down the reason for these changes in Kiran's family. Students, हमने किरण, सुमी और दीपाली की तीनों की फैमिली में चेंजेस आते हुए देखे। किरण की फैमिली में कैसे चेंज आया, उसके घर पे एक न्यू बॉर्न बेबी आया। सुमी की फैमिली में कैसे चेंज आया, उसके पापा का प्रमोशन की वजह से ट्रांसफर हो गया था। और दीपाली की फैमिली में कैसे चेंज आया, उसके घर पे एक न्यू मेंबर ऐड हुआ था, उसकी भाभी ऐड हुई थी। तो आपको रीजन लिखना है कि किरण की फैमिली में किस वजह से चेंज आया है। ओके स्टूडेंट्स, सुमी की फैमिली में किस वजह से चेंज आया है और दीपाली की फैमिली में किस वजह से चेंज आया है, तो तीनों की फैमिली में क्या रीजन है चेंज का वो आपको लिखना है। कैन देयर बी एनी अदर रीजन फॉर चेंजेस इन फैमिली। कोई और रीजन हो सकता है फैमिली चेंज होने का। यस, बहुत सारे रीजन होते हैं स्टूडेंट। न्यू मेंबर आता है या कोई कोई जाता है घर से या कोई गेस्ट आता है, तो ऐसे फैमिलीज में तो चेंजेस आते ही रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारी फैमिली में चेंजेस आते हैं। ओके, टॉक टू थ्री ओल्ड पीपल फ्रॉम योर फैमिली, वन फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली एंड वन फ्रॉम फैमिली इन योर नेबरहुड। आस्क देम दिस क्वेश्चंस एंड कंप्लीट द टेबल। अभी आपको क्या करना है, एक आपकी फैमिली में कोई ओल्ड पीपल होना चाहिए, एक आपके फ्रेंड की फैमिली में और एक आपके नेबरहुड की फैमिली में। तीनों से आपको ये क्वेश्चंस पूछने हैं और इन तीनों बॉक्सेस में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है और ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, माय फैमिली यस्टरडे टुडे एंड टुमारो। ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वे और द अदर फॉर डिफरेंट रीजन। हैज योर फैमिली चेंज टू। आपने देखा कि सुमित, किरण और दीपाली की फैमिली कौन से रीजंस की वजह से चेंज हुई है, और ऐसे तो बहुत सारी फैमिलीज चेंज होती है, तो आपकी फैमिली में ऐसा कोई चेंज आया है। व्हेन योर ग्रैंड पेरेंट्स वर चिल्ड्रन लाइक यू, वाज योर फैमिली जस्ट लाइक एज इट टुडे। डिस्कस विद देम। अभी आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक पॉइंट डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है, कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जब आपकी एज के थे, आपके जितने थे, तो उनकी फैमिली ऐसी थी या अलग थी। ऑब्वियसली अलग होगी स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होते थे, इतना घूमने का नहीं होता था, इतनी सिटीज डेवलप नहीं थी, बट हमारे पास तो हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स है, कंप्यूटर है, फोन है, तो हम तो ज्यादातर उनमें ही लगे रहते हैं। बट जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारी एज के थे तो वो लोग आउटडोर गेम्स खेलते थे, ज्यादा से ज्यादा बाहर खेलते थे। तो आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि उनका चाइल्डहुड कैसा था और आपका चाइल्डहुड कैसा है, फिर आपको उन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करना है। ओके, डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीताज फैमिली ट्री विच यू स्टडीड इन क्लास 3। यू हैड ऑल्सो ड्रॉन योर फैमिली ट्री। लेट अस ड्रॉ फैमिली ट्री इन द नोटबुक लाइक लास्ट ईयर। ओके, आस्क योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर इन द फैमिली व्हेन दे वेर ऑफ योर एज। ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ द फैमिली इन योर नोटबुक व्हेन दे वर यंग। अभी आपको क्या करना है, इसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स को आपको पूछना है कि वो आपके जितने थे तब उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स थे, और उनका आपको एक फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री मतलब उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स का नाम लिखना है। आपको पता है, आपने शायद देखा होगा फैमिली ट्री कैसा होता है, ट्री टाइप में होता है और उसके ब्रांचेस में सब फैमिली मेंबर्स के नाम लिखे हुए होते हैं। पहले ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर पेरेंट्स होते हैं, अंकल आंट होते हैं, फिर बच्चे होते हैं। तो आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के आपको एक फैमिली ट्री बनाना है। ओके,
कैन यू सी योर सेल्फ योर ब्रदर और योर सिस्टर या मदर और योर फादर एनी वेयर इन दिस फैमिली ट्री? अभी आपने जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स का फैमिली ट्री बनाया उसमें आपको आपकी फैमिली के मतलब आपके ब्रदर सिस्टर मदर फादर कोई भी दिख रहा है? ओके, नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। ओके, आपको दो फैमिली ट्रीज बनाने हैं कि एक आपके ग्रैंड पेरेंट्स की फैमिली का जब वो आपके जितने थे और एक आपकी फैमिली का अभी जो रिसेंट आपकी फैमिली है उसका आपको एक फैमिली ट्री बनाना है। तो दोनों फैमिली ट्रीज आपको आपकी नोटबुक में बनाने हैं। ओके, हु आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टुडे? व्हेन आर योर वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स? वेयर आर यू इन दिस फैमिली ट्री? और आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी फैमिली में अभी कौन कौन मेंबर्स है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ है और आप कहाँ हो इस फैमिली ट्री में, आपकी कहाँ पोजिशन आती है। तो आपको ये पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, फैमिली ट्री बनाओगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि आपकी पोजिशन कहाँ आती है उस फैमिली ट्री में। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक। In what ways the family tree of your grandfather or grandmother in their childhood is different from your today's family tree? अभी आप जब ये दोनों family tree बना दो, एक आपके grandfather, grandmother का और एक आपका, फिर आपको points discuss करने हैं कि दोनों family trees में क्या different है, क्या चीजें अलग है। Okay? Going back to school, what do you want to become once you complete your studies? अब आपका education complete कर लो, आप graduate हो जाओगे, उसके बाद आप क्या बनना चाहते हो वो आपको लिखना है। Who is the most educated in your home? आपके घर पे सबसे ज्यादा कौन पढ़ा हुआ है उसका नाम लिखना है। Who is the least educated in your home? आपके घर में सबसे कम कौन पढ़ा है आपको उसका नाम लिखना है। Okay students? This is also important. Government has decided the age for the marriage. Before that age, if anybody gets married, that is an offense because it is called child marriage. अभी students ये point तो आप सबको पता होगा कि काफी विलेजेस ऐसे होते हैं, काफी छोटी जगह ऐसी होती है जहाँ पे वो लोग किड्स के बचपन में ही शादी कर देते हैं। 10 इयर्स के हो, 12 इयर्स के हो, उनकी उसी एज में शादी कर देते हैं। बट राइट एज क्या है? गवर्नमेंट ने एज डिसाइड की है कि इसी एज पे उन लोगों की शादी होनी चाहिए, और अगर उस एज के पहले शादी कर देते हैं तो उसको बोलते हैं चाइल्ड मैरिज, और वो ऑफेंस है, एक क्राइम है, उनको पनिशमेंट मिल सकती है उस क्राइम से। तो आप कहीं भी ऐसी चीज देखो कि किसी ने चाइल्ड मैरिज करवाई है, कुछ भी किया है, तो दैट इज अ क्राइम, वो चीज गलत है। तो यू हैव टू स्टॉप देम कि चाइल्ड मैरिज इज अ क्राइम, बच्चों की कभी भी शादी नहीं करवाना चाहिए, वो बहुत बड़ा ऑफेंस है, बहुत बड़ा क्राइम है। गवर्नमेंट ने जो एज डिसाइड की है उस एज के बाद ही शादी करवा सकते हैं, अगर पहले शादी करवाते हैं तो उसको बोलते हैं चाइल्ड मैरिज एंड दैट इज अ क्राइम। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड आउट एंड राइट। आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल? व्हाई? आपके नेबरहुड में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूल से बचपन में ही निकाल दिया गया है? तो आपको उसकी रीजंस फाइंड करके लिखना है। व्हाट आर द किड्स डूइंग दिस डेज? और वो लोग क्या कर रहे हैं इन दिनों में वो लिखना है। हैज एनीबॉडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली? हो, रिसेंटली आपकी फैमिली में किसी की शादी हुई है और कब हुई है वो लिखना है। व्हाट वाज द एज ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम? और जिसकी शादी हुई है उन ब्राइड मतलब दूल्हा दुल्हन की क्या एज थी वो लिखना है। What kind of dresses they wore, bride and groom? Bride ने कैसे कपड़े पहने थे और groom मतलब दूल्हे ने कैसे कपड़े पहने थे, उन दोनों ने कैसे कपड़े पहने थे और क्या पहना था वो लिखना है। Okay students, so students, I hope you enjoyed the chapter. इस chapter में हमने क्या देखा कि families में कौन सी वजह से changes आते हैं। तीन families देखी हमने, किरण, सुमि और दीपाली, उनकी फैमिली में कौन सी वजह से चेंज आए? एक न्यू बॉर्न बेबी की वजह से, घर में शादी की वजह से, एक के घर में ट्रांसफर की वजह से। स्टूडेंट्स, हमारी फैमिली में भी काफी चेंजेस आते हैं, डे टू डे चेंजेस आते रहते हैं। कोई न्यू बॉर्न आया हो, कोई घर से गया हो, किसी की शादी हुई हो, किसी का ट्रांसफर हुआ हो, तो फैमिली में चेंजेस तो चलते रहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो ये जो भी वर्क दिया है आपको, जो फैमिली ट्री बनाना है वो आपको आपकी नोटबुक में बनाना है, और इन क्वेश्चंस के आंसर है वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन।